प्रिय मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि जीवन में सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही आवश्यक नहीं होती, बल्कि मनुष्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार विवाद, विरोध, प्रलोभन और युद्ध जैसी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सफलता के लिए कूटनीति के चार प्रमुख अस्त्र बताए, जिनका उपयोग समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि इन चारों को साध लिया गया तो फिर मनुष्य की जीत निश्चित है। ये चार अस्त्र हैं शाम, दाम, दंड और भेद। जीत के लिए ये अस्त्र अवश्यमेव है। अतः प्राचीन भारतीय कूटनीति उपाय चतुष्टयम पर आधारित थी। इस नीति को समझने के लिए इन शब्दों का जानना भी आवश्यक है। शाम, यह इस नीति का पहला चरण है। शाम का अर्थ होता है किसी को समझाना, निवेदन करना, प्रशंसा करना या सुझाव देना। जब मित्रता दिखाने की आवश्यकता हो तो आकर्षक उपहार, आतिथ्य, समरसता और संबंध बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इससे दूसरे पक्ष में विश्वास पैदा होता है। अतः किसी से कोई काम चतुराई पूर्वक वार्ता से समझाकर या निवेदन करके या प्रशंसा आदि से करवा लेते हैं तो उसे हम शाम कहते हैं। इसमें उसे लगता है कि हमारी श्रेष्ठता स्वीकारी जा रही है और इस तरह काम निकालने की यह प्रथम नीति है। यह नीति राजनीति का भी अचूक अस्त्र है। इस नीति को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए, आंदोलनों आदि में शांति स्थापित करने के लिए कुशलता पूर्वक अपनाना चाहिए। दूसरा, दाम, यह इस नीति का दूसरा चरण है। जब हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहला चरण शाम से अगर काम नहीं चले तब दाम नीति अपनाना चाहिए। दाम शब्द का अर्थ होता है प्रलोभन। जब हम किसी से अपना काम करवाने के लिए कोई प्रलोभन देते हैं तो वह दाम की नीति होती है। तीसरा, दंड, यह इस नीति का तीसरा चरण है। जब हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरा चरण दाम से काम नहीं कर चलता है तब दंड की नीति अपनाई जाती है। दंड शब्द का अर्थ होता है डराकर, भय से हराकर, माने परास्त कर, शारीरिक बल से किसी को सजा देना। किसी से अपना काम करवाने के लिए उस काम को न करने की इस प्रकार हम चेतावनी स्वरूप सजा देते हैं। इसमें ताकत का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और भेद, यह इस नीति का चौथा एवं अंतिम चरण है। जब हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीसरा चरण दंड भी काम नहीं आता है तब यह आखिरी चरण को भेद को समय की जरूरत होने पर अपनाना चाहिए। भेद शब्द का अर्थ होता है कि किसी का रहस्य पता करना या उसके हितैषियों के साथ उनका बैर कराना या फूट डालना। सभी व्यक्तियों का कोई न कोई राज या रहस्य होता है। जब हम उस रहस्य को पता करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं अथवा जब हम किसी व्यक्ति का रहस्य पता करके उस रहस्य का इस्तेमाल करके अपना काम करवाते हैं या अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो यह भेद की नीति होती है। इसमें दुश्मन की सेना, गुट या मंडल व अधिकारियों में फूट डालना, उसके करीबी रिश्तेदारों और उच्च पदों पर स्थित लोगों से उसकी ताकत के राज जाना आदि शामिल है।